हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू योर क्लास एंड टुडे अगेन आई एम हियर। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ हूँ आप लोगों की टेंसेस की सीरीज पूरी करने के लिए। तो हमने टेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, हमने उनके हेल्पिंग वर्ब्स की हैं, हमने उनके मेन वर्ब्स के बारे में पता किया है। ऊपर से अगर हमें कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें उस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि हमारे टेंसेस की सीरीज पूरी हो जाए। नाउ दिस इज अ फिफ्थ पार्ट ऑफ टेंसेस और आज हम करने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। कई बार क्या होता है कि हमें सेंटेंस का तो पता चल गया, टेंस का भी पता चल गया, बट हमें नॉट लगाना नहीं आता, हमें ये नहीं पता चलता कि अगर वर्ब फर्स्ट है, वर्ब फिफ्थ है या वर्ब सेकेंड है, या अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या प्लस वर्ब दे रखी है तो हमें नॉट कहाँ प्लेस करना है। तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे, द गार्डनर वॉटर्स द प्लांट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, आपको सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा। सो बिना किसी, देखो द कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, द इज एन आर्टिकल, तो द के बाद क्या दिया हुआ है, तो हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है पहले। सो द गार्डनर, ओके, गार्डनर मीन्स माली, तो माली है वो पौधों को पानी देता है। सो द गार्डनर वॉटर्स, कैन यू सी क्या आपको दिखाई दे रहा है, वॉटर्स एस फॉर्म आई हुई है और एस फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म होती है। और जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो और हमें एस फॉर्म दी हुई मिल जाए तो हमें भी एस फॉर्म के साथ ही उसको रिप्लेस करके और नॉट का यूज करना है। तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी डज, और डज के साथ आ गया नॉट, और मैं इस वॉटर के एस को रिमूव कर दूंगी। अब रिमूव क्यों कर दूंगी मैं, क्योंकि मुझे सेंटेंस में सिर्फ एक ही एस फॉर्म चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है और एस फॉर्म तो मुझे मिल गई। एस फॉर्म मैंने क्या यूज की है, मैंने डज को यूज किया है यहाँ पे एस फॉर्म के लिए। ओके, तो अब मेरे को वॉटर के साथ एस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज माइंड इट, इस बात के ऊपर ध्यान रखिएगा गाइज। अगर आपने डज लगा दिया है तो डज के साथ एस फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि एक ही एस फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी ना हमें टेंस में, सेंटेंस में, और वो हमारी डज ने पूरी कर दी है। तो यहां पे मैं वॉटर का एस रिमूव कर दूंगी। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, दे सिंग स्वीट चार्ल्स। ओके, अब क्या है, मेरा सब्जेक्ट, मेरा ये सब्जेक्ट है दे। ओके, अब दिस इज माय मेन वर्ब, मेरे पास यहां भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली हुई है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। गाइज, आई थिंक अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता है, सो वेरी सून आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रिंगिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी। हालांकि मैंने टेबल जो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्लियरली कि कौन कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रही हूँ जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो अब जो है सिंग, सिंग क्या है हमारा, सिंग इज अ मेन वर्ब, तो मेरी वर्ब फर्स्ट होती है। सिंग क्या होती है, वर्ब फर्स्ट होती है। अब वर्ब फर्स्ट के केस में मैं नेगेटिव बनाना है मुझे, तो मैं क्या लगाऊंगी, डू नॉट, तो मेरा सेंटेंस बन गया है यहाँ पे, दे डू नॉट सिंग स्वीट चॉरस एंड दिस इज माय नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, नेहा मेट मी यस्टरडे। नेहा इज माय सब्जेक्ट एंड मेट इज एन एक्शन वर्ड, मेट क्या है, मेरा एक्शन वर्ड है, मैं मिली तो एक्शन वर्ड है मेरा मेट, ठीक है। तो अब मेट क्या है, वर्ब सेकंड, मीट मेट मेट, मीट मेट मेट। अब पता कैसे चलेगा ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, रिमेंबर गाइज मैंने आप लोगों को बताया था थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं आती है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, और वो क्या है, वो है वर्ब सेकंड की। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, सिर्फ वर्ब सेकंड की, तो मेरी ये है वर्ब सेकंड। और अगर मेरे पास वर्ब सेकंड है तो मैं हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब सेकंड ही लगाऊंगी, और वो सेकंड फॉर्म किसकी होगी, वो होगी डू की सेकंड फॉर्म, मींस डिड। यहाँ पे मेरे पास पास्ट फॉर्म आई हुई है ना, तो मैं हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट फॉर्म की लगाऊंगी, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है Did not, तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार क्या हुआ है। अब मीट, यू नो अब मेट था सेकेंड फॉर्म थी, अब मैंने तो सेंटेंस में क्या है सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली ना, तो अब यहां पे मेरी वर्ब फर्स्ट हो जाएगी,
ये हो जाएगी मेरी वर्ब फर्स्ट. तो मेरा सेंटेंस क्या बना, नेहा डिड नॉट मीट मी यस्टरडे. नेहा डिड नॉट मीट मी यस्टरडे. अब जैसे ही आपके पास, देखो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में क्या रिक्वायर था, एस फॉर्म रिक्वायर थी. ठीक है, हमने डज लगा दिया, हमने एस फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में लगा दी, तो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वो सिंपल वर्ब फर्स्ट हो गई. अब मेरी यहाँ पे वर्ब सेकेंड की रिक्वायरमेंट थी मुझे सिंपल पास्ट में, तो मैंने क्या है, मैंने अपनी फॉर्म ऑफ जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने पास्ट फॉर्म में ले दी. तो अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई और अब मेरी फॉर्म ऑफ वर्ब वो वर्ब फर्स्ट में जा सकती है. तो गाइज हमेशा याद रखना, डू डज और डिड के साथ जब भी कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी वो होगी ओनली ओन वर्ब फर्स्ट. तो चलिए अब ये तो हमारे पास ऐसे केसेस थे जब हमारे पास कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी थी, तो हमें आइडेंटिफाई करना था और क्या क्या लगाना था उनके प्लेसेस पे, तो वो मैंने आपको एक आइडिया दिया है. अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स भी हो तो हमें नोट कहाँ प्लेस करना है. यू नो गाइज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो नोट वाले सेंटेंसेस बिना हेल्पिंग वर्ब के बना देते हैं. हमेशा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस कभी भी नोट के बिना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनता है. नेगेटिव सेंटेंस कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता है. अगर आपको नोट चाहिए है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है ही है. तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अवेलेबल है तो हमें नोट कहाँ प्लेस करना होता है. हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नोट को प्लेस करते हैं. चलिए यहाँ देखते हैं, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ. तो इज मेरी हेल्पिंग वर्ब है और स्पीकिंग मेरी क्या है, मेन वर्ब है. तो मुझे नोट कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, इज और स्पीकिंग के बीच में. तो सेंटेंस मेरा क्या बन गया है, He is not speaking the truth. He is not speaking the truth. Okay. Next sentence है मेरा, She has finished her work. She has finished her work. So अब करते हैं, has is my helping verb. Has is my helping verb and finished जो है, अगर आप idea लगा सकते हो तो finished, finish. Finished, finished. क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब सेकंड है या वर्ब थ्री है? Come on, guess, guess, guess. Yes, you are right. This is verb three. अगर ये वर्ब सेकंड होती तो क्या होता, इसकी तरह जहां यहाँ पे मैट लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब के आती, लेकिन ये क्या है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लिए हुए है. और जब आप वर्ब, जब भी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो हैज हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव, अगर इनमें से कोई अपनी हेल्प साथ लेके चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब थ्री ही हो सकती है. तो मेरी ये वर्ब थ्री है. अब मुझे नॉट कहाँ प्लेस करना है, मुझे नॉट प्लेस करना हैज और फिनिश्ड के बीच में. ठीक है, तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया है, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे सिंपल हेल्पिंग वर्ब में तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे नॉट कहाँ प्लेस करना है, लेकिन जब मेरे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आती है तो मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे नॉट कहाँ प्लेस करना है. तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक देती हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. दिस सी मेरा सेंटेंस है, रोहन विल बी शेयरिंग हिज नोट्स. अब मेरे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आई हुई है और वो कौन सी है, मेरे पास है विल बी. कैन यू गेस विच टेंस इट इज, यस, विल मींस फ्यूचर एंड बी मींस कंटिन्यूअस. तो ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अंदर नॉट कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है. तो जब भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट हमेशा तोड़ने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा. जब भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब जो इकट्ठे जो बहन भाई होंगे, नॉट जैसे ही आएगा बीच में वो दोनों अलग हो जाएंगे. तो अब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब जैसे ही फर्स्ट कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब की जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है और सेकंड हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नॉट आएगा, तो हमारा नॉट कहाँ आएगा, विल नॉट बी शेयरिंग हिज नॉट्स. ओके, तो मेरा कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में नोट, अब पता चल गया आपको, हमेशा फर्स्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमारा नोट आता है और बाकी जो जहां है उसको वहीं रहने दीजिए. अब एक और एग्जांपल है, ठीक है, जिसके इसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. चलिए, रमा हैज बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट मंथ. ओके, तो अब मेरी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन. अब मुझे नॉट कहाँ लगाना है, कम ऑन कम ऑन, गेस 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 गेस. यस, मुझे नॉट हमेशा यहाँ पे
फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया है, रमा हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट मंथ। आई होप नेगेटिव सेंटेंस बनाने आप लोगों को आ गए होंगे। ओके, स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट। अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप लोगों को कोई सजेशन है मेरे लिए, ठीक है, तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।